हूँ। सॉरी, जी यस प्लीज कंटिन्यू। हाँ, नमस्कार सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम सुहास है, मैं एक ब्रेन ट्यूमर कैंसर सर्वाइवर हूँ, मुंबई से, महाराष्ट्र, इंडिया। और तकरीबन 2011 के बाद मैं तकरीबन 2008 से लेकर 2011 तक मेरे 3 सर्जरीज हो गए थे, ब्रेन सर्जरीज। और उसके बाद भी आज तक मैं अच्छा खासा हेल्दी, फाइन, फिट, एकदम बहुत अच्छा जी रहा हूँ, बहुत अच्छा हो रहा हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है जिंदगी में। तो ये एक होप है कि ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर या किसी भी तरह का कैंसर कुछ भी हो, सबके ऊपर हम मात कर सकते हैं, हम सबके ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। बस मन में दृढ़ विश्वास, हिम्मत, हौसला और शक्ति, जो हिम्मत, जो शक्ति होती है, जो फाइट करने की, कि हाँ हम इससे लड़ेंगे और जीतेंगे। ये जीतने की जो हमारे अंदर जो ऊर्जा होती है, ये होनी चाहिए। कितनी भी संकट, कितने भी तकलीफें रहे सामने, उसके ऊपर मात करने के लिए। तो मेरा जो जर्नी है वो स्टार्ट होता है 2008 को, पर उसके पहले 2007 तक बहुत सी तकलीफें मैंने झेली थी। जब भी बहुत ढेर सारा सिर दर्द बहुत होता था, इतना कि परेशान होता था मैं सिर दर्द। तो सिर दर्द के लिए भी बहुत हमने जो डॉक्टर्स होते थे यहाँ के, लोकल डॉक्टर्स, वहां पे हम गए, वहां पे जाके हमने चेकअप किया, क्यों हो रहा है? तो गोलियां लेता था, मुझे लगता सर्दी की वजह से हो रहा है या और कुछ प्रॉब्लम है, खाने पीने कम खाता हूँ इसीलिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये पता नहीं। तो उसके बाद हमने ट्रीटमेंट धीरे धीरे बढ़ाई, आगे पीछे स्पाइन का देखा, मेरा जो ये रहता है पाइल्स का, पाइल्स का देखा, बाद में सभी जगह मैंने कमर में मेरे रेडिएशन भी लिया था, सब सब तरह का ट्रीटमेंट किया, पर मेरा, हमारा नजर कभी ब्रेन के ऊपर नहीं गया था। मुझे 2007 और 8 के बीच, मैं तो साइंस का स्टूडेंट था, प्रैक्टिकल्स में खड़े होने के लिए भी बहुत तकलीफ होती, बीएससी सेकेंड ईयर में था मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो खड़ा होने के भी बहुत मुश्किल होता था, आंखों पर अंधेरा चाहता था अचानक से। बाद में मैं अचानक से एकदम वीक ही फील करता था और गिर भी जाता था, और ये गर्दन मुड़ना, मोड़ने का, बार बार गर्दन मोड़ता था मैं, ये बहुत अननेचुरल बिहेवियर था, ये बार बार गर्दन कैसे मोड़ता था। तो ये सारी चीजें सामने थी। तो उसके बाद क्या हो गया कि हमने सब जो डिक्टेशन थे वो सब हमने ट्रीटमेंट्स करा लिए, पर हमारा ब्रेन के ऊपर कभी ध्यान नहीं गया। तो हम गए, मेरे मम्मी पापा ने फोर्स किया कि चलो, जो हमारे फैमिली फिजिशियन है डॉक्टर राजेश उचिल, दादर में है उनका क्लिनिक, दादर मुंबई, वहां पे हम लोग, मुझे लेकर गए कि ये वीकनेस होता है, इसको सर दर्द है। तो वो बोले कि मैं टैबलेट्स देता हूँ आपको, तो देखो इसको 3 महीने में फर्क पड़ता है क्या। पर 1 महीने के अंदर ही हम वापस चले गए, क्योंकि मुझे वो बेयर हो रहा ही नहीं था, मुझे सहन हो नहीं रहा था, बहुत सिर दर्द हो रहा था, बहुत सिर दर्द, मैं वीकनेस था, पूरा वीक हो जाता बीच बीच में, और बहुत मैं नॉर्मल चीजें कर नहीं पाता था, इतना वो हेवी हो गया था। तो डॉक्टर ने बोला सिर दर्द अभी कम नहीं हो रहा है, तो चलो इसका सीटी निकालो। सीटी, जो सीटी स्कैन निकाला, तो जिन्होंने सीटी स्कैन निकाला तो उन्होंने मेरे पापा को बताया कि इसको ब्रेन ट्यूमर है। और ब्रेन ट्यूमर होने सुनने के बाद डैड तो पूरे दुखी हो गए और वो एकदम शॉक हो गए। पर वहां पे जो डॉक्टर है, डॉक्टर हेमंत तेलकर, उन्होंने बताया कि ब्रेन ट्यूमर क्योर हो सकता है, 95% जान को धोखा नहीं है, कुछ ही नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, 95.5% हम कुछ कह नहीं सकते। सो डैड ने सोचा कि तुरंत हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे। तो डॉक्टर उचिल ने बताया कि केईएम की उन्होंने चिट्ठी दी, जो हमारे फैमिली फिजिशियन, तो केईएम हॉस्पिटल न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में मुझे भेजा गया। तो वहां पे ओपीडी में गए, मेरा चेकअप हो गया, जो ओपीडी का होता है शुरुआत का, और उसके बाद मुझे एमआरआई करने के लिए सीधा बाहर केईएम हॉस्पिटल में एमआरआई डिपार्टमेंट में गया, वहां मेरा एमआरआई हुआ, और एमआरआई के बाद मुझे सीधा एडमिट कराया गया
एम हॉस्पिटल न्यूरोसर्जरी वार्ड में, और वहां पे पता चला एमआरआई में कि मुझे टेक्टल प्लेट ग्लायोमा पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा हु ग्रेड वन, पाइनियल ग्लैंड ग्लैंड होता है जो पीछे, वहां पे मेरा ट्यूमर है वो बढ़ गया है। तो वो आप मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, मेरे सर्जरी, ये मेरे सर्जरी है, दिस इज द सर्जरी, और यहाँ पे ऊपर ऐसे ये सर्जरी हो गई। तो फर्स्ट बायोप्सी सर्जरी हो गई, बायोप्सी सर्जरी में ट्यूमर का थोड़ा सा पार्ट निकाला और फिर वो टेस्टिंग के लिए टाटा में भेजा था। वो होने के बाद फिर धीरे धीरे वो तकरीबन 8 आवर्स की सर्जरी हुई थी। द सर्जन वॉज डॉक्टर अमित माहौरे, न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमित माहौरे। तो उन्होंने मेरी सर्जरी की और उसके बाद फिर टाटा में मुझे 1 महीने का रेडिएशन दिया गया। वो रेडिएशन दिया गया था डॉक्टर राकेश जलाली, इन्होंने, ही ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट, उन्होंने मेरा 1 महीने का रेडिएशन दिया गया था, जो वो था SCRT रेडिएशन, वो टाइप था, वो उस टाइप का रेडिएशन दिखा 1 महीना। तो उस दौरान मेरा जो ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा नजर में फर्क आया, क्योंकि वो ट्यूमर को पहुंचने के लिए यहाँ पे जो वेन्स होती है आंखों की, उसको कट कर करके वहां तक ट्यूमर पे पहुंचे थे, उसका पार्ट निकाला, तो मेरा आंख थोड़ा सा दिखने में थोड़ा सा ओवरलैपिंग आया था तभी, तो मुझे दिक्कत थी। और उसके बाद वो होने के बाद मेरा रेडिएशन हो गया। रेडिएशन के दौरान बहुत सी तकलीफें होती थी, मैं खा नहीं पाता था, इतनी हालत थी खराब, खा नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, बहुत सारी तकलीफें होती थी। बाद में पूरा शरीर गर्म होता था, तो मैं बहुत नारियल पानी पिया, आई ड्रैंक लॉट्स ऑफ कोकोनट वाटर, ये बहुत जरूरी होता है कोकोनट वाटर शांत करने के लिए, और खाने में मेरे डॉक्टर बोले इसको जो चमता है वो दो। तो मैं चपाती और जो भजी होते हैं बटाटा भजी वो खाता था मैं, क्योंकि वही जमता था। पर उसके ट्यूमर जो था, मेरा ट्यूमर की जगह पे वहां पे पानी होता था, पानी यानी हाइड्रोसेफेलस होता था, तो उसके वजह से भी तकलीफ होती थी, तो इम्बैलेंसिंग होता था, और ब्रेन को अगर पानी टच हो गया तो हम लोग इम्बैलेंस होते हैं, तो वो पानी होता था। तो उसके लिए रेडिएशन के दौरान ही मेरे जो ऑन्कोलॉजिस्ट थे, उन्हें पापा को बताया था इसका शंट सर्जरी करना जरूरी है। तो पापा को तो कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या है शंट सर्जरी वगैरह। तो फिर मैंने 1 महीने का रेडिएशन हो गया, उसके बाद फिर मैं घर पे वापस आया, पर मेरा सब कुछ एक्टिविटी धीरे धीरे होता था, बहुत धीरे धीरे, पता नहीं। तो हमने क्या सोचा कि फिर से हम लोग टाटा हॉस्पिटल जाएंगे और ओपीडी करेंगे, पर उसके पहले हमने सोचा कि टाटा हॉस्पिटल का अगर 2 बजे ओपीडी है तो हम 10 बजे का 9 बजे का सुबह KEM हॉस्पिटल परेल मुंबई का, जहाँ पे मेरा पहला सर्जरी हुआ, वहां पे ओपीडी अटेंड करते। वहां पे ओपीडी अटेंड किया तो मेरे ही खुद सर्जन ही वहां पे ओपीडी पे थे, डॉक्टर अमित मारू, तो उन्होंने मुझे चेक किया तो देखा। और उस दौरान जब ये पानी होता था हाइड्रोस, तो मेरा यूरिन पर से कंट्रोल नहीं था, सब यूरिन जाने के लिए ऐसा इधर महसूस हो गया और 2 कदम चलाने की यूरिन हो जाता। सो आई डिडंट हैव कंट्रोल, दैट इज बिकॉज माय ब्रेन, बैक ब्रेन जो छोटा ब्रेन होता है वहां पे प्रेशर आता था पानी की वजह से, बिकॉज ऑफ हाइड्रोसेफल, इसीलिए मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाता था मेरे एक्टिविटीज को। तो उसके वजह से फिर डॉक्टर ने देखा, तो बोला ये तो चल रहा है ठीक से, तो इसका प्रॉब्लम क्या है? तो मेरी मम्मी ने ये बात बताई कि डॉक्टर इसका ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। सो डॉक्टर ने बोला फटाक से इसका सीटी स्कैन निकालो। सो वी वेंट आउट परेल में KEM के हॉस्पिटल के बाजू में, और वहां पे सीटी निकाल, तो डॉक्टर ने सीटी स्कैन देखा और बोला इसका शंट करना जरूरी है अर्जेंटली। तो अर्जेंट में मुझे चिट्ठी देके न्यूरो सर्जरी वार्ड में एडमिट कराया, और दूसरे दिन मेरा शंट सर्जरी डॉक्टर अमित माहौरे ने ही किया, शंट सर्जरी। वो शंट सर्जरी होने के बाद आप देख सकते हैं इधर मेरे सर पे, ये देखो इधर ये है, यहां से उन्होंने रॉड डाला, रॉड, और फिर ये गले में, यहां से इधर और इधर से मेरे यूरिनरी ब्लैडर में वो रॉड डाला था, और रॉड के अंदर से वो शंट पासर, जो शंट ट्यूब होते हैं वो डाला था। तो वो जो शंट पासर होता है वो स्टील एंड मेटल का बना होता है, सो दैट इज द वे टू द शंट इनसाइड ट्यूब, शंट ट्यूब इनसाइड। सो यू कैन सी हियर मेरी शंट ट्यूब यहाँ अभी भी है, दैट इज परमानेंट, फॉरेन फॉरेन मटेरियल इज परमानेंटली फिट इनसाइड मी, नाउ इट इज माइन,
अभी वो मेरा ही है, अभी खुद का वो एक वेन है। सो इट हेल्प्स अ लॉट। ये जो हाइड्रोसेफल अभी भी होता है, अभी भी थोड़ा थोड़ा इम्बैलेंसिंग होता है, तो ये पानी होता है जो कलर, जब भी मैं सोता हूँ तो वो पानी यहाँ से इंटरनल वे है वो यूरिन पे जाता है। तो दैट इज द मेन थिंग कि ये हाइड्रोसेफेलस ज्यादा कलेक्ट ना हो, उसको पास होने के लिए ये अंदर से वे बनाए। तो ये सेकेंड सच हुई। तो बायोप्सी में मेरा पूरा ट्यूमर में से थोड़ा सा ही ट्यूमर उन्हें टेस्टिंग के लिए किया था, मैंने जैसे बताया। तो टेस्टिंग के दौरान उन्हें बताया कि ये वो ग्रेड वन का ही है। और वहां पे डॉक्टर तेजपाल गुप्ता, उन्होंने मेरे मम्मी पापा को और मुझे बताया कि इसका ट्यूमर है वो हु ग्रेड वन का ट्यूमर है, ये बिनाइन है, ये मैलिग्नेंट नहीं है, बट ही हैज टू टेक 1 month रेडिएशन। तो ऐसे बोला गया। तो वहां पे डॉक्टर जलाली, द रिनॉन डॉक्टर, उन्होंने मेरा 1 महीने का रेडिएशन किया। उसके बाद फिर ये मेरी शंट की सर्जरी हुई, शंट वीपी। और उसके बाद तकरीबन 1-2 साल मेरा अच्छे तरह से गया 2019, पर 11 में मेरा ट्यूमर फिर से रेज हो गया। और तभी इमेज बहुत, मेरा क्या वोमिटिंग बहुत हो गया, वोमिटिंग में ब्लड भी आने लगा, इतना तरह वोमिटिंग हो गया, मेरा सिर दर्द बहुत काफी हो गया। तो मेरा एमआरआई जब निकाला मिराड़ में, हम लोग जहाँ पे रहते हैं मुंबई मिराड़, तो वहां पे पता चला कि ट्यूमर बढ़ गया है, ट्यूमर वापस बढ़ा, क्योंकि रेडिएशन तो नीचे दिया गया था, तो उसके बेस को था कि वो बेस, और ऊपर का वो थोड़ा जान था तो वो थोड़ा सा बढ़ गया था बायोप्सी के बावजूद, तो वो बढ़ गया था। तो उसके बाद डॉक्टर ने वहां पे डिसीजन लिया कि इसको कुछ भी करके मिराड़ से KM हॉस्पिटल लाओ। पर मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं चलने, मैं तो पूरा बेहोश था। तो डैड मॉम और मेरे जो रिलेटिव थे उन्होंने सबने हेल्प किया, और मुझे पास के हॉस्पिटल में पहले दाखिल किया, वहां पे मुझे स्टेबल किया, और उसके बाद मुझे दूसरे दिन KM हॉस्पिटल में विद द सायरन एम्बुलेंस और वो उस तरीके से मुझे लेकर गए। तो डॉक्टर ने जब भी देखा मुझे तो वो चिल्लाए कि क्या मेरा पेशेंट तो चल के गया था घर पे और तुमने उसको लेटा के लाया है। तो मेरे पापा मम्मी ने बोला प्लीज सर अभी आप देख लो। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, और डॉक्टर सीधे फिर मुझे एडमिट किया, फिर मुझे थोड़ा सा स्टेबल किया। उस दौरान मेरा अपर गेज का प्रॉब्लम था, अपर गेज यानी मैं मेरे आंख उठा नहीं सकता था। पिनियल ग्लैंड का अगर आप स्टडी करोगे तो पिनियल ग्लैंड का प्रॉब्लम यही है, यू कैन लिफ्ट योर आईलिड्स, अगर वो बढ़ता है ना पिनियल ग्लैंड का ट्यूमर, तो आंख का आप उठा नहीं सकते ये पल के, कभी भी इतना हो जाता है। मेरा सोडियम लेवल पूरा एकदम मिनिमम हो गया था, क्योंकि लूज मोशन ऑफ वॉमिटिंग की वजह से। तो एकदम क्रिटिकल सीरियस इमरजेंसी सर्विस सिचुएशन थी, कुछ भी हो सकता था, एवरीबॉडी हैज लॉस्ट होप। पर मेरे मम्मी पापा की होप थी नहीं, अभी क्या है सब डॉक्टर के हाथ में है। तो डॉक्टर अमित माहौर, मेरे सर्जन, थर्ड सर्जरी भी उनके पास हम गए, तभी उन्होंने बोला ठीक है मैं देखता हूँ क्या होता है, मैं मेरा काम करूंगा, बाकी सब है वो हम भगवान के ऊपर छोड़ेंगे। तो मेरी वहां पे 4 आवर्स की सर्जरी हुई, वहां पे डॉक्टर ने 98% ट्यूमर था वो निकाल दिया, क्योंकि उससे ज्यादा निकाल नहीं सकते, क्योंकि जान को खतरा होता है। और ये तो पिनियल ग्लैंड, हमारे स्पाइन के ऊपर जो पिनियल ग्लैंड है उसके ऊपर ही ट्यूमर था। इट टुक ए रिस्क बट इट वॉज ए सक्सेसफुल, और वो बाहर आके बोले कि मैंने मेरा काम किया है, अभी देखते हैं क्या होता है। उसके रिकवरी के ऊपर है, और रिकवरी जैसे धीरे धीरे वो बोले कि अभी इसका सोडियम लेवल कम है, तो मुझे इंजेक्शन दिए जाते थे कौन से सोडियम के, इसीलिए मुझे बहुत ढेर सारा लूज मोशन होता था, आई कांट बेयर दोस, वो तभी मेरी हालत ही नहीं थी। और उस सर्जरी के बाद मेरा मेमोरी लॉस, आंखें 1 साल विजन पूरा गया था, मेरा राइट हैंड साइड पूरा पैरालाइज था, आई वॉज बेड रिडन, सब कुछ बेड पे ही हुआ था। ये पूरे आगे के 1 साल का मैं बात कर रहा हूँ, मेमोरी लॉस आई, ये सब कुछ गया था, एंड आई वॉज टोटली फिनिश था मैं स्ट्रेचर के ऊपर, बट लिटिल होप था, लिटिल होप था। तो डॉक्टर ने बोला इसको खिलाना है और चलाना है, खिलाओ पिलाओ चलाओ खिलाओ। सो इसका सोडियम रेज करने के लिए डॉक्टर ने क्या बोला, मेरे डॉक्टर अमित मौर्य सर्जन, वो बोले कि इसको नमक का खिलाओ, नमक उसमें है। तो मुझे क्या बोला गया कि इसको दही दे दो, दही के साथ 4 चम्मच नमक, यानी खारा रस देना है 4 बार दिन में। तो उसके साथ खाना, खाने में क्या, सूखा मच्छी, सूखा फिश रहता है वो, ड्राई फिश एकदम खारा रहता है वो,
और जितना भी जो खारा हो सके और साथ में इंजेक्शन, तो उसके वजह से मेरा सोडियम लेवल धीरे 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 इंक्रीज हो गया। ये सब आई वॉज 20 days, मैं 20 days एडमिट था केएम हॉस्पिटल में थर्ड सर्जरी के टाइम। माई फैमिली वॉज देयर ऑन द स्टेयर केस फॉर 20 days। एवरीबडी एवरीबडी वेयर देयर हेल्पिंग आउट फॉर मी। माई सर्जन डॉक्टर अमित मौर्य टुक अ प्रॉपर पूरा अटेंशन के साथ उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो दिन में 4-5 बार आते जाते हॉस्पिटल में, मैं जितने दिन था उन्होंने प्रॉपरली गाइड किया, MRI किया। एक बार ऐसा सिचुएशन हो गया था कि अचानक आई वॉज रेस्टलेस, रेस्टलेस कि क्या हो रहा है मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है, और डॉक्टर ने सडनली सभी को बुलाया, मेरे मम्मी पापा और मेरे सभी रिलेटिव को, देखो इसको क्या हो रहा है। तो डॉक्टर और डॉक्टर भी आगे भाग के, तो डॉक्टर बोले इसका तुरंत सीटी स्कैन करवा। तो सीटी स्कैन में पता चला वहां पे कि इसको न्यूमोसेफेलाइटिस, देयर इज नो इन इंटरनल ब्लीडिंग, न्यूमोसेफेलाइटिस यानी हवा है, एक्सेस हवा है इसके ब्रेन में। तो डरने की बात नहीं, मेरी मम्मी ने तो गिव अप किया था वहां पे, रो रही थी मम्मी, अभी खत्म सब कुछ ऐसा बोल। पर मेरे डॉक्टर बोले ये आपका अकेला ही है आप, तो मेरी मम्मी बोली हाँ अकेला ही है, तो बोले आप टेंशन मत लो, हम लोग देखते हैं क्या है। वहां के डॉक्टर अमित मोहन टीम, तो उनके टीम के जो डॉक्टर्स थे वो नीचे थे सीटी स्कैन, जहाँ पे मुझे सारे रिलेटिव्स ने लेकर नीचे गए सीटी स्कैन में। तो वहां पे न्यूमोसेफेलस था, देयर वाज नो एक्सेस हाइड्रोसेफेलस और नो इंटरनल ब्लीडिंग, तो सिर्फ हवा था। तो उन्होंने फिर आके मुझे वापस, डॉक्टर बोले प्लीज ब्रेक द श्वास बैक, और फिर मुझे बैक लिया, फिर कर्टन लगा के उन्होंने क्या ट्रीटमेंट किया हमको आज तक पता नहीं, बट आई वाज देन ओके। और उसके बाद फिर डॉक्टर ने 20 days हमको वहां पे परमिट किया कि रहो आप, इसका पूरा स्टेबल करो। उसके बाद फिर हम आगे आए, फिर हर 3 महीना 4 महीने बाद हम केई हॉस्पिटल में आते थे, MRI सीटी स्कैन होता था साथ में। मेरे हर 6 महीने बाद या 3 महीने बाद मेरा टाटा हॉस्पिटल परेल में मेरा फॉलोअप होता था। क्यों? क्योंकि आई वॉज ए रिसर्च पेशेंट देयर, मेरा ब्रेन का रिसर्च होता था, SCRT लाइट दी गई थी मुझे, तो मैं वहां पे रिसर्च पेशेंट था, मेरा 124 नंबर था, 3168536, मुझे आज भी याद है वो नंबर है मेरा फाइल का, KM का फाइल का नंबर याद नहीं पर मुझे टाटा का पता है, और डॉक्टर जलाली का पेशेंट हूँ। तो वहां पे मेरा फॉलोअप हर 6 महीने हर 3 महीने हो जाता था। दौरान मेरे साइकोलॉजिस्ट थे डॉक्टर सविता गोस्वामी, वो मेरे साइकोलॉजिकल टेस्ट लेती थी, पहले से लेती थी यानी फर्स्ट ऑपरेशन के बाद ही, पर जब भी थर्ड ऑपरेशन हो गया उसके बाद 6 से 9 महीने हम गए नहीं, क्योंकि मेरी कंडीशन ही थी, आई कुडंट वॉक एट ऑल, मेरा पैरालिसिस था पूरा राइट हैंड साइड, तो मुझे दो साइड में ऐसा पकड़ के मम्मी पापा दो साइड से मुझे ऐसा चलाते थे। आई वॉज नॉट एबल टू वॉक। मैम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वीडियो, सो शुड आई शो द वीडियोस? किस चीज की वीडियोस आप दिखाना चाहते हैं? वो मेरा चलते वक्त वो कंडीशन वो बताना मुझे। मैंने आपको को होस्ट बनाया है, तो अभी आप स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं। तो स्क्रीन शेयर करके, ओके राइट, मैंने आपको को होस्ट बनाया है, तो ओके ओके, आप वेट, आई एम शोइंग। ओके मैम, शैल आई शो? यस प्लीज। हाँ, ये मेरी कंडीशन आप देख लो, वॉकिंग के टाइम मैं घर पे कैसे चलता था, ये थर्ड सर्जरी का है बिल्कुल। ये ऐसी मेरी कंडीशन थी। आपका वीडियो प्ले नहीं हो रहा है, आपको प्ले करना होगा। इट इज प्लेइंग मैम हियर। ओके, देन मे बी आपने एंटायर स्क्रीन शेयर नहीं किया होगा शायद। आई कैन सी योर स्क्रीन बट आई कैन नॉट सी द वीडियो व्हिच इज प्लेइंग। अच्छा, एक मिनट एक मिनट। बट शेयरिंग स्क्रीन, मे बी यू हैव टू सेलेक्ट द एंटायर स्क्रीन और समथिंग लाइक दैट। So what shall I do, ma'am? Okay. तो या चलेगा। तो उसके बाद फिर ये जो सारी चीजें हो गई, तो
उसके बाद फिर चलना वगैरह मेरे डॉक्टर ने बोला इसको, डॉक्टर अमित मौर्य, यही टोल्ड दैट सिर्फ खिलाओ पिलाओ और चलाओ, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो ये मुझे चला है, मुझे कुछ दिखता नहीं था, मेरा मेमोरी लॉस था, उसके वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, आई वॉज टोटली ब्लैंक। मुझे सिर्फ उन्होंने चलाया, मेरे मम्मी पापा ने और मेरी बहनों सिर्फ चलाया खिलाया पिलाया, और उसमें से ग्रेजुअली धीरे 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 धीरे, डॉक्टर बोलते थे, मेरे पापा डॉक्टर पूछते थे सर एक साथ नजर कब आएगा वापस, तो डॉक्टर चिल्लाते थे मुझे बार बार मत आप बताओ, धीरे धीरे आएगा, आप मत ये करो, आप प्रयास करते रहो इससे। तो उस तरीके से डॉक्टर ने जो बताया, मेरे सर्जन ने, उस तरीके से धीरे 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 ओके ओके, तकरीबन साल भर बाद मेरा नजर धीरे धीरे वापस आया, मेरा मेमोरी धीरे धीरे अच्छा हो गया। मेमोरी के लिए डॉक्टर अमित माहौर ने सीटी नर्व नाम की जो टैबलेट है, सीटी नर्व, वो दी थी, वो बहुत महंगी थी, तो वो मेमोरी वापस आने के लिए वो सीटी नर्व है वो टैबलेट उन्होंने बताई थी। उसके बाद न्यूरोबियन फोर्टे, न्यूरोबियन फोर्ट आपको टैबलेट होती है, वो आंखों के लिए मेरे आई सर्जन डॉक्टर दुदानी, रिफर्ड बाय टाटा हॉस्पिटल सांताक्रूज में है वो मुंबई, डॉक्टर आय अजय दुदानी, उन्होंने मेरे आंखों का जो ट्रीटमेंट है वो किया है। अभी भी आप देखते हैं कि आंख मेरा थोड़ा सा हिला हुआ है, तो वहां पे सर्जरी भी कर सकते, तो वो ये ब्रेन के वजह से, ब्रेन की जो नर्व्स है वो कट हो गए ट्यूमर को निकालते वक्त, तो उसके वजह से ये सारी चीजें होती रही है, तो वो ट्यूमर को, ट्यूमर का तो अभी जो 98% पार्ट निकाला था, तो अभी जो नजर थी वो कैसे, वो नर्व्स वापिस जॉइंट कर सके, तो न्यूरोबियन पोर्ट डॉक्टर ने बोला था। तो वो मैं तकरीबन उसके बाद 6-1.5 साल मैंने लिया है 2011 के बाद ऐसे, तो अब मेरा जो सर्जरी हुआ थर्ड सर्जरी, उसके बाद तकरीबन 2 महीने बाद मैंने सर पे मेडिकेशन बंद हो गए थे, मेरा कुछ फिट आने का, फिट ब्रेन सर्जरी के बाद फिट आते हैं, इसलिए इप्टन नाम का टैबलेट होता है, तो वो टैबलेट मेरा ओवरडोज होने की वजह से मेरे बॉडी पे पूरा स्क्रीन रैशेस होने लग गया। तो हमने मेरे पापा ने डॉक्टर को फोन किया, खून टपकता था आपसे, तो मेरे डॉक्टर बोले ये बंद कर दो, मेरे सर्जन बोले डॉक्टर अमित तुम्हारे की बंद कर दो, तो वो बंद कर दे, उसके बाद फिर रेगुलर आते गया। तो द की सक्सेस क्या था मेरा ये बाहर आना, कि सबसे अच्छा डाइट था, बहुत बढ़िया डाइट, क्योंकि मेरी मम्मी पूरा खाने पीने पे मेरा ध्यान बहुत प्रॉपरली, 3 टाइम का खाना प्रॉपरली 3 बार खाता था मैं, 1.5 किलो दही हर दिन, 1.5 किलो दही और 16 टीस्पून नमक, 12-16 टीस्पून नमक, इतना खारा खारा मैंने, सोडियम मेरा था, दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल, और वो होता था, और साथ में नारियल पानी मैंने जैसे बहुत पिया है, नारियल पानी क्योंकि ये पूरा बॉडी प्योर करता है नारियल पानी, वो नारियल पानी बहुत पिया, और मैंने चलना बहुत इम्पोर्टेंट था, आई वॉज बेड रिडन, बट मम्मी पापा मेरी बहन उन्होंने मुझे चलाया, और चलाने के बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली 2 साल के बाद मैं खुद से चलने लगा, आई वॉज वॉकिंग, आई वॉज एबल टू डू माई वर्क, अपबिट वर्क था थोड़ा, मैं ज्यादा प्रेशर नहीं देता था, तो ये ग्रेजुअली होते गए। टाटा का फॉलोअप कंपल्सरी हम लोग ने किया, तकरीबन 2015 तक टाटा का हॉस्पिटल जो फॉलोअप होता है टाटा हॉस्पिटल का, क्योंकि रिसर्च पेशेंट, तो उनका जो प्रॉपर हमने फॉलोअप किया, उन्होंने भी गाइड किया प्रॉपरली कि वो एक्सरसाइज लेते, साइकोलॉजी का जो मैंने बताया डॉक्टर सविता गोस्वामी, और उन्होंने वो एक्सरसाइज लेती थी हमारी, मेरी एक्सरसाइज लेती थी ब्रेन के लिए, डिफरेंट कलर्स इसको पहचानता है क्या, ये डिफिकल्ट जो पजल होते हैं ये सॉल्व कर सकता है क्या, ये लिख सकता है क्या, इसको याद रहती है क्या चीजें, वो स्टोरी बोलती थी जंबलिंग थोड़ी, तो वो याद रहता है क्या, ये सारी चीजें वो हमसे एक्टिविटीज वो हर 3 महीना 6 महीने के बाद होती थी। सो तकरीबन ये ट्रीटमेंट का दौर हमने प्रॉपरली फॉलोअप अटेंड किया, और वो पूरा उनके इंस्ट्रक्शंस के वजह से मैं यहाँ तक बाहर आते गया। तो 2014-15 के बाद मैं तकरीबन अच्छा ठीक से होने लगा, उसके बाद आई वाज ओके फाइन, तो क्या करूँ मैं खुद के लिए क्या करूँ, तो 2013 में मैंने जैसे बोला कि नजर वगैरह सब कुछ ठीक आ गई थी, तो तभी 2014 में मैंने सोचा, 2013 में, कि मैं ये जो मेरी जर्नी है ये मेरे अंदर बहुत मुझे खाए जा रही है, आई आई यूज टू बी अवेक, मुझे वो तकलीफ सहन नहीं हो पाती थी,
ये सब मेमोरीज वगैरह हो जो होती, तो मैंने क्या सोचा कि मैं लिखने की कोशिश करूंगा। तो मैंने ये धीरे 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 मैंने लिखना चालू किया, किसमें, मेरे मदर टंग में, मराठी में मैंने ये लिखा। 2 साल लगा मुझे लिखने के लिए, 2 ईयर्स टू राइटिंग। और उसके बाद मैंने सोचा कि अभी इसको मैं इंग्लिश में करूंगा, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड जाना चाहिए। दिस इज नॉट अ सिंपल थिंग, कमिंग आउट ऑफ ए ब्रेन सर्जरी आफ्टर 3 ब्रेन सर्जरीज एंड लिविंग अ हेल्दी लाइफ, दैट इज नॉट गुड, बट दैट इज अ ग्रेट थिंग। तो मैं बोला ये एक इंस्पिरेशन रहेगा, मोटिवेशन रहेगा बाकी कैंसर पेशेंट्स के लिए, कि अगर ये बंदा मौत को छूके वापस भी आ रहा है और ये पूरी हिम्मत के साथ, जोश के साथ जी रहा है जिंदगी। सो दैट इज अ ग्रेट इंस्पिरेशन टू ऑल द कैंसर वर्ल्ड। तो मैंने सोचा कि ये इंग्लिश में लिखूं। और उसके बाद मैं बोला मैं तो इंडिया में रहता हूँ, इंडिया में सबसे ज्यादा हम हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी में भी मैंने उसका ट्रांसलेशन करके रखा। तो ये मेरा बात हो गया। तो उसके बाद मैंने कुछ तब तक पब्लिश वगैरह नहीं किया, क्योंकि उसके बाद 2017 में मैंने मेरी शादी हो गई, एक्चुअली मेरी शादी हुई, बट उसके तकरीबन 6-7 महीने के बाद ही जिस लड़की से शादी हुई थी शी वेंट अवे, उसको पसंद नहीं आया तो वो छोड़ के चली गई, तो उसका डिसीजन था। तो उसके बाद म्यूचुअली हमने डिवोर्स ले लिया। और उसके बाद 2021 में दिसंबर में मैंने मेरी इंग्लिश ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माय रीबर्थ, इसको मैंने ब्लू रोज जो पब्लिशर्स है दिल्ली के, उनके पास मैं अप्रोच हो गया ऑनलाइन और उनको बोला कि आप मेरी पब्लिश कर सकते हो। तो उन्होंने मेरी बुक द स्टोरी ऑफ माय रीबर्थ, ये मेरी बुक है, ये उन्होंने पब्लिश की है। दिस इज द स्टोरी ऑफ माय रीबर्थ। इसका वेबसाइट है suhasjadhav.com, उसके ऊपर आपको ये पूरा बुक मिलेगा, ई बुक भी है, और उसके साथ साथ आपको घर पे आप मंगा भी सकते हो बुक्स इंग्लिश में। और साथ ही में अभी मैंने फिर से उनको अप्रोच किया, मेरा हिंदी वर्जन अभी मैं उनसे स्टार्ट किया हूँ, अभी वो थोड़े दिनों में पब्लिश होने वाला है ऑन एयर, और वो परचेस के लिए अवेलेबल होने वाला है एमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे और गूगल बुक्स पे, ये सब कुछ अवेलेबल होने वाला है। सो द की थिंग, जैसे कि मैंने बोला कि मेडिकेशन एंड डॉक्टर, तो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स को आप क्वेश्चन पूछो, क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ज्यादा पूछने की जरूरत है, एंड टेक देयर गाइडेंस एंड वॉक अकॉर्डिंग टू देम। वो जैसे बताएंगे उस तरीके से अगर आप फॉलो करोगे, ट्रीटमेंट फॉलो करोगे, तो वो बराबर काम करेगा एंड यू विल बी क्योर्ड एंड यू विल कम आउट ऑफ दिस कैंसर थिंग। और साथ ही में डॉक्टर्स के साथ जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे मिला मेरे मम्मी पापा, मेरे सिस्टर, उन्होंने बहुत हेल्प किया, साथ में मेरे चाचा, मेरे मामा और पूरी फैमिली, सभी ने बहुत हेल्प किया। और खासकर इम्पोर्टेंट है गॉड, ऑब्वियसली गॉड ही है, डॉक्टर न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमित मावरे सर एंड हिज टीम, हु मेड 3 टाइम्स, उन्होंने 3 टाइम मेरा जान बचाया। डॉक्टर राकेश जलाली सर एंड हिज टीम टाटा हॉस्पिटल, उन्होंने मेरी रेडिएशन से जान बचाई, क्योंकि वो ट्यूमर वापस बढ़े नहीं, इसलिए उसके रूट्स को ही जला दिया, पूरा रूट्स को ही जला दिया। टाटा हॉस्पिटल, टाटा ग्रुप, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। केईएम हॉस्पिटल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। किंग्स एडवर्ड्स मेमोरियल हॉस्पिटल, उनका धन्यवाद। सारे लोगों का धन्यवाद है। डॉक्टर अजय दुदानी, मेरे डॉक्टर राजेश उच्चिल सर, ये सारे डॉक्टर है, डॉक्टर सविता गोस्वामी, डॉक्टर अजय दुदानी, सारे डॉक्टर्स है, आज भी मैं उनसे कांटेक्ट में हूँ। उन्होंने कहा खुशी से ये जो ऑटोबायोग्राफी उन्होंने मंगाई और उन्होंने पढ़ी है उन्हें, सो दे आर रियली हैप्पी दैट कि कोई ना कोई एक तो बंदा है जिसने याद किया हमको और हमारे ऊपर और खुद की स्टोरी लिखी। सो ऑल आर रियली हैप्पी एंड एवरीबडी इज रियली थैंकिंग एंड आई एम ऑल्सो थैंकिंग एवरीबडी। मेरे जो मम्मी पापा है वो सभी, हम सब उनको थैंक करते हैं। और मैं थैंक करता हूँ खासकर अरुण सर, अरुण सिंह सर, टेक्सास ऑस्टिन, साथ में डिंपल मैम, डिंपल परवर मैम, थैंक यू वेरी मच, साथ में एनी जोन्स मैम, जोज मैम, और जेन ऑनको,
इन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, क्योंकि उन्होंने रिकग्नाइज किया, उन्होंने मुझे एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म दिया कि ये मेरा जर्नी है, ये सामने आए, लोगों के सामने आए और एटलीस्ट लोगों को पता चले इसके लिए। अभी मीडिया आई कांट रीच देम अप टिल नाउ, अभी तक तो नहीं है, बट मेरी आशा है, मेरा विश्वास है कि कोई ना कोई तो मुझे अप्रोच होगा, मैं उनके पास जाऊंगा तो वो हाईलाइट करेंगे कि ये बहुत बड़ी स्टोरी है। यस मैम, इतना मेरा जो स्टोरी है। और आज आई एम ए अबेकस टीचर, आपने पीछे देखा होगा, मैं अबेकस का टीचर हूँ, एक ब्रेन ट्यूमर कैंसर सर्वाइवर पेशेंट इज नाउ ए ब्रेन डेवलपमेंट कोच मेंटर टीचर। ब्रेन डेवलपमेंट, मगज, मेंदू का विकास करने वाला एक इंसान बन चुका हूं मैं बाकी लोगों का जो मेंदू है, जो मगज है, वो अच्छा कर रहा हूँ, बच्चों का उनका विकास कर रहा हूँ, ये और क्या चाहिए मुझे, मुझे नेचर ने, मुझे भगवान ने ये, बहुत धन्यवाद। यस, ओवर टू यू डिंपल मैम। थैंक यू सो मच सुहास जी, वेरी वेरी इंस्पायर्ड। एंड आपने जैसे बताया आपकी जर्नी, मैं सोच भी नहीं सकती कि उस वक्त आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर उस वक्त क्या बीत रही होगी, क्योंकि इतनी बार ट्रीटमेंट करवाना, वो भी ब्रेन कैंसर का, वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव डिजीज है, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होता है और बहुत कम लोग उससे बाहर आ पाते हैं। सो आई थिंक इट्स योर विल पावर, योर करेज, योर फैमिली सपोर्ट, जैसे आपने गिव अप नहीं किया, उन्होंने भी गिव अप नहीं किया, दे ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड उनका एक विश्वास था कि हम ठीक कर देंगे, उनका एक उनके मन में बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा भरोसा था, एक फेथ था कि नहीं हम ठीक कर देंगे, और वही किया उन्होंने। सो और आपके सपोर्ट के बिना, आपके विल पावर के बिना ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, यू योर फैमिली, एवरीबडी, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू गो थ्रू दिस, एंड पॉसिबल नहीं है बट डिफिकल्ट है, और आप उस डिफिकल्टी से निकले आपने, और ऐसा भी नहीं है कि आप उससे निकले और आज आप बहुत लोगों की हेल्प कर रहे हो, बहुत सारे ब्रेन वॉरियर्स को गाइड कर रहे हो, उनको हेल्प कर रहे हो, सो इससे ज़्यादा अच्छा काम कुछ नहीं हो सकता है। सो रियली थैंक यू सो मच सुहास फॉर शोइंग दिस करेज एंड बीइंग एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस, कि जब आप उस सिचुएशन से निकल सकते हैं, जब आप उस सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जो बाकी पेशेंट्स हैं, जो भी डायग्नोज हुए हैं, जो इस जर्नी से निकल रहे हैं, उन्हें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ हम भी कर सकते हैं। मैंने काफ़ी कैंसर पेशेंट्स देखे, थाउजेंड्स ऑफ कैंसर पेशेंट्स से बात किया है, और मैंने जो देखा है कि ब्रेन कैंसर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बिकॉज इवन एक मिलीमीटर इधर से उधर, एंड इट कैन एक्चुअली कॉज सीवियर डैमेज टू योर बॉडी एंड योर ब्रेन। सो सुहास, आई हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस आपके लिए। So, नहीं, आप पूछो, मुझे लगता है कि आप पूछो, क्योंकि बाकी लोगों के भी रहेंगे सवाल, तो आप भी पूछो। राइट, सो सुहास, जैसे आप काफी पेशेंट्स को गाइड करते हैं, तो आप उनसे, हमारे पास भी काफी ब्रेन कैंसर पेशेंट्स आते हैं हेल्प के लिए, सो आप कैसे पेशेंट्स को हेल्प करते हैं, सो दैट वी कैन ऑल्सो गाइड द पेशेंट्स? पेशेंट्स को हेल्प इन द सेंस आई मोटिवेट देम, मैं उनको मोटिवेट करता हूँ कि उनके जो रिलेटिव्स होते हैं, खासकर पेशेंट्स तो डॉक्टर के पास होते हैं बट रिलेटिव्स होते हैं, खासकर मैंने टाटा हॉस्पिटल में वगैरह, मैं शुरुआत के दिनों में, यानी मैं ठीक होने के बाद जब भी मैं अटेंड किया था, वहां पे जो मीटिंग्स होती है पेशेंट्स के एंड रिलेटिव्स की, तो दो तीन मीटिंग्स में मैं गया हूँ, वहां पे मैंने दो तीन बार मुझे चांस दिया गया कि बोलो तुम्हारी जर्नी, तो मैंने उनको बताया कि तुम डरो मत, फर्स्ट ऑफ ऑल डरना नहीं है, व्हाट एवर इज इन फ्रंट ऑफ यू वो आपको उससे बाहर निकलने की मंशा रखनी है, मन में रखो कि उससे हम बाहर निकलेंगे, तो उनको हौसला अफजाई की जरूरत है मैम। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, पेरेंट्स जो रिलेटिव होते हैं वो हौसला खो चुके हैं, वो यानी कैंसर मतलब खत्म ऐसा सोचते हैं, तो उनको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए डॉक्टर्स क्या क्या करेंगे ना, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करेंगे या उनके रिलेटिव्स को समझाएंगे या क्या क्या करेंगे, उनके पास जो होता है, तो मैक्सिमम क्या होता है इम्पोर्टेंट कि हमारे जैसे जो अच्छे हुए हैं, मेरे जैसे जो पेशेंट्स अच्छे हुए हैं अभी अच्छी जिंदगी, तो हमारा कर्तव्य है कि हम अप्रोच हुए या उनको जो रिलेटिव्स होते हैं उनको समझाए
कि आप डरो मत, आप जो फॉलो कर, जो डॉक्टर्स बोल रहे हो वो फॉलो कीजिए और ट्रीटमेंट फॉलो करने पर खाने के ऊपर ध्यान। मैं बार बार यही बोलता हूँ, खाना पीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर अच्छा खाओगे, अच्छा पानी पियोगे, अच्छी नींद लोगे, सब कुछ ठीक हो जाता है। पीनियल ग्लैंड का प्रॉब्लम क्यों हो गया मेरा, पीनियल ग्लैंड का, क्योंकि मेरा रेस्ट नहीं था, खाना टाइम पे नहीं था, पानी टाइम पे नहीं था, सोना टाइम पे नहीं था। इसके वजह से ये पीनियल ग्लैंड का प्रॉब्लम उसी के वजह से ही होता है। क्योंकि मेरे डैडी आज भी आर्टिकल्स पढ़ते हैं जो पेपर्स में आता है, अभी सीरीज चल रही है मार्स टाइम्स में, ब्रेन ट्यूमर के ऊपर सीरीज चल रही है, तो वो पढ़ते तभी मुझे बताते हैं वो, तो वो बता। अभी मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह होते हैं इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता, बट आई ऑल्सो रीड दोस ऐसा, तो वो रीडिंग करना बहुत जरूरी होता है मुझे जैसे जमता है। बट लुकिंग एट द पेशेंट, पूरा कंडीशन अबाउट रिलेटिव, एक तो पैसे का कमी होता है, दूर दूर से कॉर्नर से आ जाते हैं लोग वहां पे, तो वहां पे टाटा हॉस्पिटल ये बहुत बड़ी काम कर रहे हैं, यानी ये ट्रीटमेंट मिलना ये ही बहुत बड़ी बात है। पर उनका जो मानसिक स्थिति है, साइकोलॉजिकल और उनका फाइनेंशियल, फाइनेंशियल एड भी होता है, और पर वो कम इसमें है, वो थोड़ा ज्यादा लेवल पे होना चाहिए फाइनेंशियल एड। अभी मेरी भी इतनी भी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, आई कैन अर्न ओनली फॉर माई ब्रेड बटर, मैं ये इतना कर रहा हूँ। अभी ये मैं बुक का कर रहा हूँ वो मैं खुद का ही कर रहा हूँ। माई डैड इज ए रिटायर्ड टीचर, माई मॉम इज हाउस वाइफ, तो वो क्या करेंगे, वो बोलते खाना घर पे, मेरे सर पे छत है, दैट इज इनफ, मेरे घर पे, मेरे सर पे छत है, मैं तीन टाइम का खा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है मेरे, बस। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करता। अभी जो मैं बुक का ये किया, ये मैं खुद के स्वेट के वजह से, स्वेट पर ये मैंने सब कुछ किया है, और मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा आगे जाऊँ। पर आगे जाने के लिए, ये आगे प्लेटफॉर्म मिलने के लिए, इट इज मच डिफिकल्ट। तो आई अर्ज, मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि मुझे आप हेल्प करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं, ये मेरा बुक है, ये बुक, ये मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल। अभी इंडिया में तो ज्यादा एक दो जन ने भी फोन नहीं किया, डायरेक्टली ऑस्टिन से फोन आया मुझे सर का ऐसा। मैं मैक्सिमम ये टॉक्स, टेड टॉक्स को भी मैंने अप्रोच किया है, बाद में जो जोश टॉक्स होते हैं वहां पे, कि ये यूनिक है, एक्चुअली इट इज नॉट फॉर मी, इट इज द कैंसर वर्ल्ड, व्हाट द वर्ल्ड। क्योंकि दुख अगर है दुनिया में, अगर दुख देखना चाहते हैं तो वो आप हॉस्पिटल जाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना दुख है दुनिया में। तो दैट इज द थिंग। सो दुख, दुख निवार, दुख का निवारण करने का भी मार्ग है। तो मार्ग क्या है, तो वो मार्ग ट्रीटमेंट प्रॉपरली फॉलो करो, खुश रहो, आनंदित रहो, अच्छा करो सबका, तो ये बहुत जरूरी होता है। सो जो नॉर्मल चीजें है वो करो। अभी तो मैं ठीक हो गया हूँ, अभी आई एम फाइन, सो आई एम वर्किंग फॉर द ब्रेन। अभी ब्रेन क्या है वो मुझे पता नहीं, पर वो नॉर्मली आ गया मेरे हाथ में, ब्रेन डेवलपमेंट का ही आ गया। मैंने वो 2019 में कोर्स किया, ये ब्रेन डेवलपमेंट एबाकस का कोर्स किया था, तो ऐसा सब हो रहा है, धीरे धीरे आ गया हूँ बाहर। बहुत तकलीफें थी मुझे तो कुछ याद भी नहीं है 2011 के बाद का ज्यादा, पर धीरे 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 बाहर आ गया हूँ, थैंक्स टू ऑलमाइटी एंड माय पेरेंट्स एंड एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। बोलिए मैम। Yeah, thank you Suhas for the detailed explanation, and you are right, आपकी story लाखों करोड़ों लोगों तक जानी चाहिए, because उन्हें बहुत सीखने को मिलेगा, इससे inspiration मिलेगी। So yeah, and मेरी तरफ से मैं जितना भी help कर सकती हूँ उस चीज के लिए, I will definitely connect with you, and we can do this for sure. Yeah, right. So Suhas, if you have to share 5 things with people जो अभी कैंसर से निकल रहे हैं, क्या चीजें हैं जो उनको ध्यान रखनी चाहिए, क्या चीजें जो आपको हेल्प की, तो वो क्या होगी आपके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, कैंसर बहुत टाइप के कैंसर है, ब्रेन से रिलेटेड मैंने जो देखा है वो इम्पोर्टेंट है कि रेगुलर फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। मैंने जैसे बोला है, रेगुलर फॉलोअप अगर आप करोगे, एक बार भी टाला ना, तो डॉक्टर पूरी ये कर देते, ताश देते, बोलते क्यों नहीं आए, क्या किया था, पेरेंट्स को चिल्लाते थे क्यों नहीं आए। तो फॉलोअप इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, एंड फॉलोइंग द मेडिकेशन, जो जो वो बोल रहे हैं वो बराबर से गोली लेने का, और कुछ भी थोड़ा सा भी ऐसा लगता है, कॉन्टेक्ट डायरेक्ट डॉक्टर्स का, कॉन्टेक्ट मोबाइल नंबर मेरे पास है सभी डॉक्टर्स का,
मेरे पेरेंट्स ने बोला था और डॉक्टर्स ने खुद दिए, ऐसे डॉक्टर्स होने चाहिए, डॉक्टर्स खुद डायरेक्ट नंबर देने वाले ऐसे रहेंगे तो कितनी अच्छी बात है। मेरे सर्जन ने डायरेक्ट नंबर दिया था, कुछ भी हो जाए रात को 12 बजे भी फोन करो। तो दिस इज द मेन थिंग, ये डॉक्टर्स की बहुत बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर्स अपने नंबर शेयर करते हैं, पर्सनल नंबर, तो ये बड़ी बात है। तो डॉक्टर्स का फॉलोअप, इन टच, प्रॉपर मेडिकेशन जो बोलते हैं, और खाना पीना डाइट रखो, एक्सरसाइज जैसे तुमको जमता है वैसे, जो जमता है वैसे एक्सरसाइज करो, बी हैप्पी, ट्राई टू स्टे हैप्पी, जो होता है वो खुश रहने की कोशिश करो, और बस, और जितना हो सके उतना हैप्पी रहो, और क्या बोल सकता हूँ। थैंक यू सो मच। या एंड अभी आप अपना तबीयत का कैसे ध्यान रखते हैं? अभी फिलहाल तो मैं आई एम गुड, मैं तो ट्रैवलिंग करता हूँ, लोकल ट्रेन ये सब, पर हैंडीकैप में ही जाता हूँ मैं, गर्दी में नहीं जाता, हैंडीकैप जो होता है उस डब्बे में जाता हूँ, पर नॉर्मली ऐसा नॉर्मल इसमें भी जाता ही हूँ कभी कभी, ट्रैवलिंग होता है, वॉकिंग होता है, साथ में नॉर्मल डेली लाइफ, खाना पीना ये सब कुछ चलता है। मैं आउटसाइड का स्टफ थोड़ा बहुत खाता हूँ, ज्यादा नहीं खाता, फास्ट फूड यानी मुंबई का वड़ा पाव है वो खाता हूँ, और साथ में पानी पूरी एंड ऑल, वो दैट इज एकदम लिमिटेड। डैड एंड मोम आर टोटली कॉन्शियस, ये खाने का नहीं, हमने बोला था तू खाया तकलीफ हो गई ना, ये। और साथ में मेरे सर्जन ने बोला था कि दही खाना, दही क्यों है, दही ब्रेन के लिए और पूरे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ब्रेन के लिए और शरीर के लिए। जापानीज लोग ज्यादा क्यों जीते, क्योंकि उन लोग कर्ड खाते हैं, कर्ड, ये कर्ड खाना बहुत जरूरी होता है। सो एक जो कैंसर को डिफीट करने वाले जो कुछ चीजें जो डॉक्टर्स बताते वो खाओ, वो खाना बहुत जरूरी होता है, एंड लीड अ हेल्दी लाइफ, क्योंकि यहाँ पे जो फूड के खाने में जो मिलावटें होती है उसके वजह से भी बहुत तकलीफें होती है। सो वी हैव टू बी एकदम अलर्ट कि क्या खा रहे हैं हम, क्या नहीं खा रहे, बाहर का स्टफ ज्यादा नहीं खाना है, पर एकदम ही बंद मत करो, तुम्हारा इम्यून सिस्टम उससे फाइट करने के लिए इम्यूनिटी कैसे बढ़े ये भी ध्यान रखो। मेरी खुद की यहाँ पे जो हमारी फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर वीना सारस्वत, वो भी मेरे मुझे सर्दी हो गया, कभी फीवर वगैरह आ गया, तो उसके लिए ये डॉक्टर है हमारी, उन्होंने पहले से भी गाइड किया। सो ये डॉक्टर्स है, तो डॉक्टर एक ही डॉक्टर रखा, एंड गो फॉर ओनली MBBS, डोंट गो फॉर BHMS और BAMS वगैरह डॉक्टर्स, ऐसे मेरे न्यूरोसर्जन ने मुझे बताया था। तो हम लोग एक ही डॉक्टर को फॉलो करते हैं प्रॉपरली, एंड फॉलोअप इज इम्पोर्टेंट, और लाइफ हैप्पीली जीना है, प्लान करके रखो, सुबह खाना है, दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट भी करना है, और वेट के ऊपर ध्यान रखो। मेरा वेट अभी आप बोलोगे कि ये खुद ही इतना वेट हो गया इसका और ये दूसरों को वेट बता रहा है, पर वेट के ऊपर ही ध्यान करा, मैं 70 तक आ गया था, मैं अभी 80 तक आ गया, सो आई एम गोइंग टू रिड्यूस, तो वेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट एंड बी हैप्पी एक्चुअली, मेडिकेशंस और खाना पीना तो रहो, खुश रहो, घूमो फिरो, थोड़ा सा घूमना भी बहुत जरूरी है ट्रीटमेंट के बाद, अभी ट्रीटमेंट चल रही है तो बी हैप्पी, हो जाएगा, मन में यही विश्वास रखो कि मैं करूंगा या मैं करूंगी, आई विल कम आउट ऑफ इट, ट्राई टू इमेजिन यूर सेल्फ, खुद को देखो अच्छी स्थिति में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वर्क करता है विजुअलाइजेशन। मैं खुद को देखता था, मैं खुद को विजुअलाइज कर, हाँ मैं ये कर रहा हूँ, ये बाकी के चीज लोग सब कर रहे, मेरे भाई बहन ये सारे चीज नॉर्मल जी रहे अपनी लाइफ, वैसे मैं क्यों नहीं जी रहा हूँ, आई शुड आस्क मी, और मैं खुद को बोलता था कि नहीं मुझे भी ये जीना है, और मैं क्या करता था फिर, मैं खुद को देखता था, हाँ मैं भी ये कर रहा हूँ, मैं भी ये ट्राई कर रहा हूँ, और आई शुड ट्राई। उसमें वो कुछ भी करता था, he could do anything, वो उड़ी मारता था, डीप सी में जाता था, वो सांप खाता था, ये खाता वो, सो उसमें क्या था, वो पाव, he can do anything, so मैं भी सोचता था, it was an inspiration, Bear Grylls भी मेरे लिए एक छोटा पार्ट के लिए इंस्पिरेशन था। ये सारी चीजें कुछ जो कुछ भी तुम दिन में कर रहे हो उसमें अच्छा देखो, अच्छी चीजें देखो और ये करो, और खुद को बिजी रखना बहुत जरूरी है मैम, ये इंपॉर्टेंट है, कीप योरसेल्फ बिजी, रीडिंग, जिनको जमता है रीडिंग वो रीडिंग करो, जिनको म्यूजिक अच्छा लगता है म्यूजिक करो, कैरम खेलने आता कैरम खेलो, चलना है चलो, भीगना है भीगो। मैं तकरीबन 2012-13 में मैं बारिश में भीगने भी गया, सोचो जो अच्छा लगे वो करना जरूरी है, सो आई कुड डू दैट
सर्दी वगैरह होती है तो कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं. एंड मेक अ नोट, एक इम्पोर्टेंट है, आपने ये खाया है तो इसका क्या परिणाम होने वाला है, आपने ये खाया है इसका क्या परिणाम हो रहा है, ये सारी लिखे रखो, तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या जम रहा है और आपको क्या नहीं जमेगा. तो मुझे जो जमता है वो मैं खाता हूँ. मैं बैंगन नहीं खाता क्योंकि मेरे सर में अभी भी पानी हो जाता है. और एक बात मैं बताना आपको भूल गया, मेरा थर्ड सर्जरी के बाद मेरे है ना यहाँ पीछे ऐसा पूरा पैच बन गया था, ऐसा पूरा फुगा बन गया था पानी का. तो क्योंकि ये मेरी ट्यूब काम नहीं करती, वो काम कर ब्लॉक हो गई थी बन के. तो मेरे सर्जन ने क्या किया, बड़ी इंजेक्शन ली और मेरे सर के पीछे ऐसा डाला, सर के नीचे पीछे डाल दिया और 3 बार वो सब किया पानी, और उसके बाद वो अंदर चले गए ऐसे. इट वॉज लॉन्ग स्टोरी, वो पहले वीडियो में मैंने शेयर की हुई. तो उसके बाद मेरा ये शंट है ना 70% काम करना चालू हो गया उसके बाद. तो ये बहुत जरूरी होता है कि खाने पीने पे ध्यान, फॉलोअप पे ध्यान. फिर अभी सब कुछ नॉर्मल है, अभी मैं नॉर्मल जिंदगी जी रहा हूँ. आई एम हैप्पी एंड आई एम वर्किंग. मायूस है, लिमिटेशन थोड़ी बहुत है. आई डोंट फील दैट अभी लिमिटेशन, वो भी नहीं. आई कैन ट्रेवल होल वर्ल्ड, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एट ऑल. जस्ट आई नीड मनी, मनी है तो मैं किधर भी जा सकता हूँ. आई गो हियर देयर, मुंबई घूमता हूँ, सब सब एंजॉय. लाइफ इज रियली एंजॉय एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द नेचर, टू ऑल माइटी गॉड एंड एवरीबडी दैट आई हैव. मैं खुद एक इंस्पिरेशन बना हूँ और मैंने बुक भी लिखा है जो कि बाकी लोगों को एक ताकत दे, हिम्मत दे, हौसला दे, होप दे कि अगर ये बंदा जी सकता है दोबारा तो हम क्यों नहीं जी सकते. ये है. सो Thank आप you. बोलो. Yeah, thank you so much, Suhas. And I really love that you are loving your life, you are enjoying it to the fullest. So that's what we need to do, definitely. Thank you. So we'd like to hear from others about their experience about today's Healing Circle Talks. Thank you. Deepak ji, would you like to share anything? सॉरी आई डिडन्ट गेट यू. अच्छा दीपक दीपक जी का है। हाय दीपक जी, ओके. मिस्टर सुहास, यस सर. यू आर टू इंस्पिरेशन. नाउ आई कैन टेल माय वाइफ हाँ एंड आई विल आस्क हर टू लिसन दिस प्रोग्राम अगेन. ओके थैंक थैंक यू। या आपको यू. बोलना चाहेंगे? हेलो। हाँ जी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ सुहास, आपकी पूरी जर्नी सुन के बहुत हिम्मत आई है और आपने बुक लिखी है, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप अमर होना चाहते हैं तो आप लिखिए, तो आप कई लोगों को इंस्पिरेशन रहेंगे। 2 भाषाओं में आपने लिखा है और आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। इसी तरह मुस्कुराते रहें और सबको इंस्पायर करते रहें। थैंक यू मैम, सच में है वो. बोलो मैम. थैंक यू अंजू जी। मेहुल, वुड यू लाइक टू शेयर एनीथिंग? या काय भाऊ, सुभाष भाऊ, कसा आहे? हाँ ठीक है ठीक है, कसे आहात तुम्ही मेहुल जी? बरे बरे, मस्त वाटलं तुझं ऐकून, स्टोरी एकदम जकास. थँक्यू थँक यू. मस्त मस्त. आय विश यू ऑल द बेस्ट अँड डू वेल इन लाईफ अँड एन्जॉय, मजा आली. थँक्यू. तुम्हाला पण शुभेच्छा सगळ्यांना. थँक्यू थँक्यू, टेक केअर. थँक यू। या राजेंद्र जी, वुड यू लाइक टू शेअर? Yeah, 1 minute. Very touchy and very difficult journey of Suhas, the way in which he says 2-3 surgery, and I always get confused that what type of trouble people are going and getting through. Because today morning I got another message from one of my friend, okay, father got a cancer, and when I meet them they are just crying. So this motivation, Dimple, from all these people is so necessary. Otherwise I think many people will not survive, because they will go under depression and they will die out of depression only. So such stories and the way in which I think he has written books also. I was also told by many people, can you write a book? But unfortunately, because of preoccupation, I could not do. I am even still thinking that something should be written for the others. And I think it's really has done a wonderful job. But this story is really good.
एंड आई एम मॉर्निंग से मे बी डिप्रेस हो रहा हूँ कि मेनी पीपल इवन एवरी डे वन और टू केसेस आर कमिंग अप सो आई डोंट नो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर ऑल दिस थिंग्स सो मेनी केसेस आर गोइंग अप एंड आई डोंट फाइंड द सॉल्यूशन सो ओके मोटिवेशन इज वन थिंग मेडिटेशन इज वन थिंग एंड विशेस बेस्ट विशेस ऑफ ऑल द पीपल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली फ्रेंड्स All these things are very part of our life. And one thing always, what Suha say, I also always say, is, life is beautiful, enjoy every moment. We do not know what will happen to the next moment. So this moment will never come. If it is gone forever. So enjoy this moment, enjoy life, and make others happy. Whosoever comes in your contact should be happy with what you say or how you react with him. So make everybody happy. There may be some people who may make you unhappy, but you try to make all people happy. And this is yours is a really wonderful journey. And I bless you and I give you my best wishes for a very good future. You, one thing you have said, very important thing, ke paisa chahiye. You will definitely get it. Money is, you desire money, you work for money. Since you have worked so hard for your health, so you can do same thing for your wealth also. Health and wealth will come definitely together if you work sincerely, diligently, discipline way and dedication with so I all my best wishes to you Suhas so kind of you sir thank you thank you very much then Akshay ji would you like to share anything well I at present my husband is still in the treatment he's hello yeah my husband is still going under the immunotherapy treatment hi didi okay hi my gaga hai Huh? Sorry, no. We can hear you. Yeah, please continue. Yeah. Oh, it is still going on. But yes, this अभी जो भैया ने जिन्होंने बात करी है, it was so motivating. I couldn't hear the whole interview, but whatever I could get from him, really very motivating. As he said, medications, doctors, we really have to keep this in mind all the time. You know. Can't neglect even one bit. Right. Okay, thank you so much, and I hope and pray that your husband's recover soon from this. Yeah. And if you need any help in terms of anything, then you can anytime reach out to us. I will just share our number here as well. So okay. So किसी से भी connect करना है. So you can connect. The number is 93-729-76783. One minute. I'll just note it down. Just a minute. Can you repeat it? Yeah. 1 minute. Right. Yeah. 93-729-76783. You are Dimple, right? Yeah. So you are in the group. I'm in that group. Okay, perfect. Then we are already connected. Wonderful. yeah, we are connected. And aap log sabki, it is so motivating. One thing I just wanted, this is, can I ask something else? Yeah. Like, my husband has got the lungs problem. He has a lot of toffees, candies. Oh, no. So, awaaz unki kafi, you know, had improved a lot. Hmm. But I feel that candies have, he started having these candies. So, what, huh? It's not good for his health. So, unko nahi khani chahiye wo. Aap ek kaam kariye, aap mere se one-on-one bhi connect kar lijiye. I can probably share some alternatives for this. Ki candy ki jagah wo kya cheez kha sakte hain, which is healthy. At the same okay. time, unke man ki ichha bhi puri ho jaye. Okay, I'll get back to you. Definitely. But yeah, definitely sugar candies are not good. Not at all. And because मुझे लगता है कि उनकी आवाज काफी improve हो गई थी and ये candies खाने से मेरे को लगता है it's really gone down. Yeah, definitely. ठीक है मैंने I'll definitely guide you कि हम क्या चीजें उसकी जगह पे कर सकते हैं. Okay, thank you so much. And I'm really happy to be in this group and I've shared this link with lot of people. They must have joined also. Yeah. Definitely. Thank you so much, Meenakshi. Yeah, we are really very grateful for Zen Onco to, you know, to make us part of this group. बहुत सीखने को मिलता है, बहुत सीखने को मिल रहा है. And इतनी एक नई अच्छी फैमिली मिली हुई है हम लोगों सबको. Supportive, सबसे बड़ी सपोर्ट तो ये Zen Onco फैमिली ही बन गई है. Meenakshi ji,
जर्नी से निकलने के पता चलता है कि हमें एक दूसरे के सपोर्ट की कितनी जरूरत है, और हमें भी वो सपोर्ट कभी मिला था जब हम उस जर्नी से निकल रहे थे. एंड इट्स आई नो मैंने आपकी पूरी स्टोरी पढ़ी, सो इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग, मैं बता नहीं सकती. आप लोग जैसे, उनकी लगता है हम भी आप जैसे बने. जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे. यही एम लेके रात को सोते हैं कि ठीक हो जाए फिर हम भी ऐसे ही सबको सेवा दें. या डेफिनेटली, डेफिनेटली वी ऑल विश एंड प्रे कि आपके हस्बैंड जल्दी से ठीक हो जाएं और आप दूसरे वॉरियर्स को, दूसरे पेशेंट्स को गाइड करें. थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच. या हाय सुहास, कमिंग बैक टू यू. So yes. Thank you for the wonderful, wonderful session. Keep up the positivity, the courage, your smile, and the genuineness that you have. मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा जिस तरीके से आपने अपना journey share किया और आपके अंदर जो genuineness है, मुझे बहुत ज़्यादा वो अच्छा लगा. So thank you so much, and I'm sure your story will help millions of patients who are going through this. And wish you all the health and happiness. So yeah, would like to meet you once you are in Bangalore. surely, surely, I will definitely. मैं तो मुंबई में रहता हूँ. Yeah. So whenever Zen on को यहाँ पे कोई अगर रहेगा function तो definitely. Sure. Please yeah. call me. I'll be really happy to meet all of you. Thank you, Suhas, and once again thanks everybody for joining in Healing Circle Talks. And we look forward to our next circle, spreading hope, positivity, and happiness. Thank you so much. Bye. Thank you. Thank you all. Thank you.